इजी कुकिंग बाय परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली में तुहाडा स्वागत है। अज असी सिंपल चिकन फॉर बैचलर्स और बिगनर्स वास्ते बनावांगे। सिंपल चिकन फ्राई बनावांगे असी, ते इहनू बनाने वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की जरूरत है एक एक करके असी तुहानू दिखाने हां। देखो जी, असी चिकन असी लैग चेस्ट लिया, वैसे कोई भी लै सकते हो, फुल ब्रॉयलर भी लै सकते हो, ते ये असी हाफ के जी लिया जी, ते इहनू वॉश करके असी रख लिया। तो ये वास्ते जो मसाले यूज होने, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, तो 2 टेबल स्पून टोमैटो कैचअप, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, बस यही चीज़ें असं यूज़ करने ने स्पैशली फॉर असी बैचलर्स और बिगनर्स वास्ते असी चिकन फ्राई बना रहे हैं। जो साड़ी रैसपी तुहानू अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दियो। जो हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तां ओह वी प्लीज़ कर दियो, नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर दियो, ताकि साडे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। हुण असी पैन साडा गर्म हो गया, तो असी जरा घी है, देसी घी असी यूज़ कर रहे हैं, तो असी देसी घी बना रहे हैं। तुसी कोई भी ऑयल, कोई भी घी यूज़ कर सकते हो, 2 और 3 टेबल स्पून के बीच है घी है, बस जिन्ना क सानू रिक्वायर्ड असी उन्ना क असी पा लिया। साड़ी वीडियो जी आखिर तक जरूर देखा करो, क्योंकि बीच बीच असी बहुत सारी ऐसी गल्ला दसते हैं जो कि कोई भी डिश नू बनाने वास्ते बहुत जरूरी होंदियां ने, ते कई ऐसे मसाले भी होंदे जिहड़े असी आखिर च ऐड करीदे, इस करके साड़ी वीडियो आखिर तक देखनी बहुत जरूरी है। करके ओह साडा गर्म हो गया, तो असी लहसुन अदरक की पेस्ट असी इस पाती, तो 1.5 मिनट के करीब करीब असी इहनू फ्राई करांगे। लो टू मीडियम फ्लेम रखांगे असी इहदा, ताकि एकदम सड़ ना जाए, हाई फ्लेम नहीं करांगे इहदा। 1 डेढ़ मिनट असी लहसुन अदरक की पेस्ट फ्राई कर ली, तो असं चिकन के पीसिस असी ऐड कर देने, असी ज़्यादा नहीं इहनू करना, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट सड़ भी जाता है, तो इस करके बस नाल दी नाल असी इहनू हुण असी चिकन के पीसिस ऐड कर देने, तो 3-4 मिनट असी चिकन के पीसिस फ्राई करांगे। ये जो ये भी मॉइस्चर भी सुक जाएगा, थोड़े जे यदा कलर भी चेंज हो जाएगा, तो यदा फ्लेम असी हुण फुल कर देना, क्योंकि वो सिर्फ अति जरा लो फ्लेम रखा सी लहसुन अदरक की पेस्ट वास्ते रखा सी। हुण असी इहनू हिलांदे रहना नाल नाल, इहदे वास्ते थोड़ी जी हल्दी भी यूज़ करांगे, क्योंकि यदा कलर बहुत अच्छा बन जाता है। असी 3-4 मिनट चिकन नू फ्राई करन तो बाद असी इस हल्दी ऐड कर दी, अच्छी तरह असी इहनू मिक्स करांगे। 3-4 मिनट जदों फ्राई किया, इहदा मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया, थोड़ा चिकन का कलर भी चेंज हो गया, गोल्डन फ्राई जी हो गया। इहनू फिर असी हुण फ्राई करांगे 1-2 मिनट, जो हल्दी पा के फ्राई करांगे तो इहदा काफ़ी अच्छा कलर आ जाता और हल्दी का कच्चापन भी दूर हो जाता। 2-3 मिनट असी हल्दी पा के फ्राई किया जी, उस तो बाद नमक ऐड कर लगे, एक छोटा चम्मच करता, बाकी अपने टेस्ट मुताबिक तुम घट वध पा सकते हो। इहनू फिर मिक्स करांगे, 2-3 मिनट फिर फ्राई करांगे। 3 मिनट असी चिकन फिर फ्राई किया, तो उस तो बाद असी गैस का जरा फ्लेम है लो करता, तो असी हुण दूसरे जिहड़े मसाले वह भी ऐड करते हैं। ये देखो जी, कश्मीरी लाल मिर्च असी ऐड करन लगे, 1 छोटा चम्मच, तो 1 छोटा चम्मच असी गरम मसाले का, बस हुण असी इन्हों मिक्स करके, अच्छी तरह मिक्स करके, तो असी ढक्कन दे के लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट असी रखांगे और बीच-बीच चेक करांगे। देखो जी, बहुत अच्छी तरह असी मिक्स करता, देखो असी गैस का फ्लेम लो करता, ढक्कन दे के 10 से 12 मिनट असी रखांगे और बीच-बीच चेक करांगे। 12 मिनट बाद असी चेक किया, तो सानू 5 मिनट सानू होर लो फ्लेम पर रखने की जरूरत है, थोड़ा जहा कसर रखी 10%, तो असी हुण ढक्कन दे के लो फ्लेम पर 5 मिनट फिर रखांगे। 5 मिनट बाद असी फिर चेक करांगे। 5 मिनट देखो जी, असी होर रखिया सी, तो चिकन साडा बन के तैयार हो गया। असी इस टोमैटो कैचअप 2 टेबल स्पून है वह असी ऐड कर देना, तो 1-2 मिनट असी इहनू फिर फ्राई करांगे, ता कि इहदा सारा फ्लेवर चिकन चले जाए। देखो जी, 1 मिनट असी सॉस पाउण तों बाद फ्राई किया, तो चिकन साडा बन के बिल्कुल तैयार है। गैस असी देखो जी बंद कर दी, चिकन साडा तैयार हो गया। सिंपल चिकन फ्राई फॉर बिगनर्स और बैचलर्स बन के बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएगा, एक बार बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जरूर दो कि तुहानू कैसा लग्या। थैंक यू वेरी मच।